हेलो सुडा किसान में आपको स्वागत है और आज आपके लिए गर्मा गर्म टेक न्यूज लेकर आ गया हूँ। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी टेक न्यूज लेकर आता रहूंगा। तो रहना में ऐसी करते हैं, आज की टेक न्यूज हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास आ रही है वो पोको की तरफ से। और दोस्तों बताया जा रहा है पोको F1 का जो सक्सेसर है पोको F2 वो बहुत जल्दी आपको इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी हमें इसकी डेट मालूम नहीं है आपको कब देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये 2021 में लॉन्च होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक टिप्सर है मुकुल शर्मा, आप देखते होंगे मैं आए दिन उनका जो नाम है वो अपने टेक न्यूज में लेता रहता हूँ। इनकी जो लीक्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी हद तक सही भी होते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया था पोको F2 में आपको स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर देखने के लिए नहीं मिलने वाला। वैसे दोस्तों आपको पोको F1 में स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिला था। तो दोस्तों जब भी कंपनी फ़ोन लाती है उसका जो नेक्स्ट मॉडल होता है वो उससे ऊपर वाले प्रोसेसर के साथ आता है। मतलब आपको पोको के आगे वाले जो फ़ोन देखने के लिए मिलेंगे वो और ज़्यादा हाई वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। वैसे दोस्तों बताया रहा पोको F2 वो आपको स्नैपड्रैगन 865 या तो आपको स्नैपड्रैगन 888 वाले प्रोसेसर के साथ देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं ये प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने के लिए मिले या तो कोई और सभी प्रोसेसर ये दे सकते हैं। वैसे दोस्तों आप इस फोन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास आ रही है वो ROG फोन की तरफ से। और दोस्तों बताया जा रहा है ROG ने अपने 4 फोन को स्किप करके डायरेक्ट ROG फोन 5 लेकर आ रहा है। वैसे दोस्तों बताया जा रहा है इस फोन की कुछ रियर साइड की इमेजेस लीक हो गई हैं। तो दोस्तों आपको ROG का जो लोगो है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों आपको मिडिल बैक में जो है आपको उसका फीचर पैनल देखने के लिए मिलेगा वाइट स्ट्रिप वाला, जिसमें आपकी RGB लाइट जलती है। वैसे दोस्तों मैंने आपको उसकी चार्जिंग के बारे में तो बता दिया था, लेकिन एक और बार बता देता हूँ आपको, उसमें 65 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों ये जो फोन है वो 3C सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों रूमर चल रहे हैं आपको उस फोन में जो डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है वो Full HD+ की AMOLED वाली डिस्प्ले होगी 144Hz के साथ आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो आपको इस फोन में जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा वो स्नैपड्रैगन 888 वाला होगा। वैसे दोस्तों बताया जा रहा है आपको इस फोन में 8GB की रैम मिलेगी। हो सकता है जो 8GB वाली रैम वो इसका बेस वेरियंट हो और जो हाई वेरियंट होगा वो 12GB रैम वाला भी हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं ये फोन इंडिया में कब लॉन्च होता है। अगली इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास आ रही है वो Redmi की तरफ से। और दोस्तों Redmi की जो प्रोडक्ट डायरेक्टर है वैंग टैंग थॉमस, बड़ा अजीब सा नाम है। तो दोस्तों उन्होंने वेबो पर कुछ हफ्ते पहले ट्वीट करा था और हमें Redmi K40 के बारे में कुछ हिंट भी दी थी। वैसे दोस्तों Redmi अपने K सीरीज को लाइनअप करेगी, तो इस हिसाब से ये बता रहे हैं आपको उसमें स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों बताया जा रहा है इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलेगी, मतलब 4000mAh की बैटरी इसमें आपको देखने के लिए मिल सकती है। और दोस्तों हम प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो ये जो फोन है वो 34,000 तक मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी यही प्राइस होती है या तो कुछ और प्राइस होती है। हो सकता है इसकी 34,000 से ऊपर हो या तो 34,000 से नीचे हो। वैसे आपको स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर मिलेगा तो 34,000 से नीचे नहीं होगी, ऊपर ही जा सकती है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और सोचिए इसकी क्या प्राइस हो सकती है। अगली इसके बारे में बात करते हैं, हमारे पास आ रही है वो OnePlus की तरफ से। और दोस्तों ये बात मुझे OnePlus की बहुत अच्छी लगी। काफी अच्छी कंपनी है जो अपने फोन के साथ चार्जर खत्म करती आ रही है, जैसे कि iPhone और Samsung हो गई। Samsung भी अपने बॉक्स में चार्जर देना खत्म कर रही है, एयरफोन तो कर ही दिए। और Xiaomi कंपनी हो गई, और भी ज्यादा कंपनियां हैं जो अपने बॉक्स के साथ चार्जर खत्म करती आ रही है। वैसे जो कंपनी अपने बॉक्स के साथ चार्जर देती है आपका जो फोन है वो 45 वॉट या 65 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन उनके साथ जो आपको चार्जर देखने के लिए मिलता है वो 10 वॉट या 15 वॉट तक ही होता है, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे पास OnePlus की तरफ से खबर आ रही है OnePlus का 9 और OnePlus का 9e जो है उसके साथ आपको 65 वॉट और 120 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिलने वाला है। ये जो चार्जर होगा वो ओप्पो का होगा, ये अपना खुद का वेब चार्जर नहीं दे रही है, लेकिन ये आपको फास्ट चार्जर दे रही है ओप्पो का। वैसे दोस्तों देखा जाए और भी कंपनियों के मुकाबले तो OnePlus ने ठीक किया, गलत नहीं किया। और भी जो कंपनियां हैं वो आपको बॉक्स में चलो चार्जर दे ही नहीं रही है, कम से कम ओप्पो का तो दे ही रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इस बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास आ रही है वो एप्पल की तरफ से। तो दोस्तों छोटी सी जी लीक है iPhone 13 के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानती हैं हमारी कंट्री में और भी कंट्रियों में कोरोना वायरस चल रहा है। तो जैसे कि एप्पल अपने में फेस आईडी देता है और जब आप अपने फेस पे मास्क लगाए हुए होंगे तो आपका जो फोन है वो अनलॉक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जब फेस दिखेगा नहीं मास्क से ढक जाएगा तो आपका फोन कैसे अनलॉक हो सकता है। तो इसलिए एप्पल अपने iPhone 13 में टच आईडी दोबारा वापस लेकर आ रहा है। वैसे दोस्तों एप्पल ने जो टच आईडी थी वो 2017 में खत्म कर दी थी,
अभी 2021 में दोबारा लेकर आ रहा है। अगली इसके बारे में बात करते हैं, हमारे पास आ रही है फेसबुक और ट्विटर की तरफ से। दोस्तों बताया जा रहा है फेसबुक और ट्विटर की नई प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, जिसमें दोस्तों जो बहुत से हेटर्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गालियां बकते हैं, हेट फैलाते हैं, और जैसे कि पॉलिटिशियन लोग हो गए, उल्टी सीधी ट्वीट करके इधर उधर लड़ाई करवाते रहते हैं, तो ये पॉलिसी उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो उस पॉलिसी में दोस्तों बचा जा रहा है उन लोगों की जो ट्वीट्स होंगे और जितने भी वायलेशन का जो कंटेंट होगा, उन सबको फेसबुक और ट्विटर से रिमूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्टेप है फेसबुक और ट्विटर का, वो काफ़ी अच्छा स्टेप है। वैसे इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी है ये चीज़ें, लेकिन इंस्टाग्राम की देखते हैं कब वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करता है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट है इसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास आ रही है वो जिंग ओएस की तरफ से। दोस्तों बताया जा रहा है ये चाइना में आ रहा है लिनक्स डिस्ट्रो के नाम से। इस ओएस के जो आपको फीचर देखने के लिए मिलने वाले हैं, वो एकदम आईपैड जैसे होंगे। वैसे दोस्तों बताया जा रहा है ये जो ओएस है, वो अभी सिर्फ हुआवे मेटबुक 14 में और माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस 6 में सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों इस ओएस के जो डेवलपर हैं, वो इसे स्मार्टफोन के लिए, टैबलेट्स के लिए और ख़ासकर जो आर्म बेस्ड प्रोसेसर हैं उनके लिए इसे डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये इंडिया में भी कब तक आता है। वैसे दोस्तों काफ़ी अच्छा मुझे ओएस लगा, इसलिए मैंने इसकी न्यूज़ दे दी। अगर दोस्तों आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ में बस इतनी था। अगर आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी टेक न्यूज़ लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।